हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 2। क्या कह रहा है, स्केच द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स ऑन द सेम स्केल एंड द सेम एक्सिस। हमें क्या करना है कि इन कर्व्स का ग्राफ सेम स्केल पर सेम एक्सिस पर खींचना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके सेकेंड नंबर से, क्योंकि पिछले वीडियो में 2 का 1 नंबर देख लिए थे। यहाँ देखिए, पहला कर्व है वाई इक्वल टू में कॉस 2x एंड दूसरा वाला कर्व है वाई इक्वल टू में कॉस 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4। चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें हम लोग इसके कुछ सॉल्यूशन को निकालेंगे और फिर हम लोग उसका ग्राफ देखेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर चार्ट बना लिया है। यहाँ पे देखिए, लेते हैं x, यहाँ लेते हैं 2x, यहाँ पर लेते हैं 2 इंटू में एक्स माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ दोनों कर्व्स को लेते हैं, cos 2x और दूसरा कर्व है कॉस 2 इंटू में एक्स माइनस पाई बाई 4। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे x के कुछ वैल्यूज लेते हैं, 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 6 और फिर यहाँ ले लेते हैं पाई। चलिए, यहाँ 2x का वैल्यू निकलते हैं, इन सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 0, यहाँ पाई बाई 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, सभी में हो जाएगा काम, 2x है ना जी, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, पाई, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 पाई बाई 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 3, 2 पाई। अच्छा, अब इसका वैल्यू निकालते हैं, x के जगह ये सब वैल्यूज रखेंगे, 0 रखेंगे तो देखो 0 में से पाई बाई 4 को सब करोगे माइनस पाई बाई 4 और 2 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का पाई बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, फिर पाई बाई 6 रखते हैं तो पाई बाई 6 में से पाई बाई 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का पाई बाई 12 आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का पाई बाई 6 हो जाएगा, समझ गया ना। फिर उसके बाद पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, पाई बाई 3 यहाँ रखेंगे तो पाई बाई 3 में से पाई बाई 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई बाई 12 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई बाई 6 बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अब यहाँ पे पाई बाई 2 रखते हैं, पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई बाई 4 आएगा और पाई बाई 4 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 बन जाएगा। फिर यहाँ पर 2 पाई बाई 3 रखते हैं, 2 पाई बाई 3 रखेंगे तो देखो क्या, ऊपर सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं, 2 इंटू में 2 पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 4। देखो 2 बाहर ऐसे ही रहेगा, अंदर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा और इसमें डिवाइड करेंगे 3 3 पाई, तो यहाँ इससे हम लोग काट सकते हैं 6 टाइम्स में, तो यहाँ ऊपर 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 पाई बाई 4 रखेंगे तो 3 पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4 को काटेंगे तो पाई बाई 2 और पाई बाई 2 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई बन जाएगा। ठीक है, अब 5 पाई बाई 6 रखते हैं तो 2 इंटू में 5 पाई बाई 6 माइनस का पाई बाई 4। चलिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अंदर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 12, 6 2 जा 12 यानी 10 पाई यहाँ हो जाएगा और यहाँ 4 3 जा 12 3, ये ऐसे काट सकते हैं 6 टाइम्स में, तो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा 7 पाई बाई में 6। अच्छा, अब यहाँ पर अब फिर हम लोग क्या रखते हैं, पाई रखते हैं तो पाई में से पाई बाई 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 पाई बाई 4 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, समझे ना। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे इनके वैल्यूज, इन दोनों कर्व्स के लिए इनके कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए, ये हमें 2x ये लेने होंगे, ये ना लेने होंगे एंगल्स हमें, कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 का होता है आपका 0.5, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री। चलिए, पाई बाई 2 के लिए हो जाएगा आपका 0, कॉस 2 पाई बाई 3 की बात करेंगे यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा माइनस का 0.5, कॉस पाई के लिए हो जाएगा माइनस का 1, कॉस 4 पाई बाई 3 की बात करेंगे यहाँ पर तो कॉस 4 पाई बाई 3 आप इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कॉस पाई प्लस में पाई बाई 3 यानी कि ये माइनस का कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, कॉस पाई बाई 3 का हो जाएगा 0.5, तो माइनस का 0.5 हो जाएगा।
फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं cos 3 पाई बाई 4 की, तो 3 पाई बाई 4 का मतलब है 135 डिग्री, तो माइनस का 0.71, इसका तो हमें वैल्यू पता ही है, सॉरी cos 3 पाई बाई 2 ना, cos 3 पाई बाई 2 की, तो cos 3 पाई बाई 2 की बात करेंगे तो cos 3 पाई बाई 2 के लिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ माइनस 1, तो 0 होगा ना, 0। फिर cos 5 पाई बाई 3 की, तो cos 5 पाई बाई 3 की बात करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस का पाई बाई 3, यानी ये हो जाएगा आपका cos पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 के वैल्यू जानते ही हैं 0.5, cos 2 पाई तो cos 2 पाई के लिए होता है 1, तो हमने देखिए cos 2x के लिए सभी वैल्यूज यहाँ निकाल लिए। अब इसके लिए चलते हैं cos 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4 करें, तो एंगल्स हमारा ये है, तो cos माइनस पाई बाई 2, तो माइनस 90 क्या होता है यहाँ पर 0, ठीक है, cos माइनस पाई बाई 6, तो cos माइनस पाई बाई 6 के लिए बात करेंगे यानी कि माइनस का 30 डिग्री के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस कहीं 0.87, फोर्थ क्वार्टर में जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, cos 0 का तो cos 0 का 1, फिर cos पाई बाई 6 का तो cos पाई बाई 6 का वही हो जाएगा 0.87, cos पाई बाई 2 तो cos पाई बाई 2 का यहाँ हो जाएगा 0, फिर उसके बाद cos 5 पाई बाई 6 तो 5 पाई बाई 6 का मतलब है यहाँ पर 150 डिग्री, ठीक है, तो 150 डिग्री होता है माइनस का 0.87, cos पाई तो cos पाई का माइनस का 1, फिर cos 7 पाई बाई 6 तो cos 7 पाई बाई 6 को cos पाई प्लस में पाई बाई 6 नहीं लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का cos पाई बाई 6, यानी कि माइनस cos पाई बाई 6 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.87, फिर cos यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2, तो cos 3 पाई बाई 2 का हो जाता है यहाँ पर, cos 3 पाई बाई 2 का हो जाता है 0, समझ गए, तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन तो निकाल दिया, अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। चलिए तो हमने यहाँ ग्राफ ले लिया है, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ ले लेते हैं x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, यहाँ हम लोग ले लेते हैं y एक्सिस, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं x, x डैश, y, और यहाँ हो जाएगा आपका y डैश, चलिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ ले लेते हैं हम लोग पाई बाई 2, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ ले लेते हैं, सॉरी यहाँ ले लेते हैं पाई, है ना, पाई को यहाँ छोड़ना होगा ना, 3 to 5, चलिए ये पाई हो जाएगा, तो आपको पता है ये आपका हो जाएगा पाई बाई 6, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3, ये पाई बाई 4, यहाँ हो जाएगा ये आपका 2 पाई बाई 3, यहाँ हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 6, और यहाँ 3 पाई बाई 4। अच्छा ये जो वैल्यूज हैं मैक्सिमम 1 है और मिनिमम माइनस 1 है, तो यहाँ 1 ले लेते हैं और यहाँ माइनस 1 ले लेते हैं, आपको तो पता ही है 0.5 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 0.5 होगा, बाकी सारे वैल्यू तो आपको पता ही है, यहाँ 0.25, यहाँ 0.75, यहाँ माइनस का 0.25, यहाँ माइनस का 0.75। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं, तो पहले हम लोग लेते हैं cos 2x के लिए, तो ये हम लोग x का वैल्यू लेके चलेंगे, ये y का वैल्यू लेके चलेंगे, 0, 1, तो 0, 1, 0 पर 1, ठीक है, फिर उसके बाद है पाई बाई, यहाँ देखो पाई बाई 6 पर, पाई बाई 6 पर 0.5, पाई बाई 6 पर 0.5, पाई बाई 4 पर 0, पाई बाई 4 पर 0, फिर उसके बाद पाई बाई 3 पर 0.5 माइनस का, पाई बाई 3 पर, पाई बाई 3 पर माइनस का 0.5, ठीक है, माइनस का 0.5 हो जाएगा, समझे ना, पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर माइनस का 1, ये माइनस 1 हो जाएगा, पाई बाई 2 पर माइनस का 1, 2 पाई बाई 3 पर माइनस का 0.5, 2 पाई बाई 3 पर, 2 पाई बाई 3 पर माइनस का 0.5, 3 पाई बाई 4 पर 0, 3 पाई बाई 4 पर 0, फिर उसके बाद 5 पाई बाई 6 पर 0.5 प्लस का, ठीक है, और यहाँ पर फिर उसके बाद पाई पर, पाई पर हो रहा है 1, पाई पर देखिए हो रहा है 1, पाई पर 1, तो चलिए हम लोग इसका ग्राफ यहाँ से ये खींच देते हैं इस कर्व को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसे ऐसे मिला देंगे, है ना,
तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरह से यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे टर्न होगा यहाँ से, फिर ये इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो जाएगा किसका, थोड़ा सा अच्छा से कर्व नहीं हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यह हो जाएगा वाई इक्वल टू में कॉस टू एक्स का, कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से पाई में जब एक्स लाई करता है। चलिए अब इसका दूसरे वाले कर्व के लिए चलते हैं, दूसरे वाले के लिए देखिए क्या होता है। तो दूसरे वाले के लिए देखिए, ये आप ये x का वैल्यू लेके चलेंगे ये, और y का वैल्यू ये लेके चलेंगे, तो जीरो पर जीरो। ठीक है, ये x का वैल्यू ये लेके चलेंगे, ठीक है, और y का वैल्यू ये लेके चलेंगे। ठीक है, पाई बाई सिक्स पर 0.87, पाई बाई सिक्स पर 0.87 इधर हो जाएगा। फिर उसके बाद पाई बाई फोर पर वन, पाई बाई फोर पर वन, पाई बाई थ्री पर 0.87, फिर पाई बाई टू पर, पाई बाई टू पर जीरो, देख लीजिए पाई बाई टू पर जीरो। फिर उसके बाद हो रहा है 2 पाई बाई थ्री पर माइनस का 0.87, 2 पाई बाई थ्री पर माइनस का 0.87, 3 पाई बाई फोर पर माइनस का 1, 5 पाई बाई सिक्स पर माइनस का 0.87, पाई पर जीरो। ठीक है, पाई पर जीरो। तो चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर खींच देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए इसका कर्व जो होगा कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, ऐसे ना कर्व होगा। चलिए ये कुछ इस तरह से ऐसे कर्व होगा, सॉरी, समझ रहे ना। तो यह किसका ग्राफ हो गया, दूसरा वाला कर्व किसका हो जाएगा, वाई इक्वल टू में कॉस टू इंटू में एक्स माइनस पाई बाई फोर का, और जब एक्स लाई करता है जीरो से पाई तक, तब समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस